हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी आपका फंडामेंटली कैसा कंपनी है, इसका टेक्निकल चार्ट अभी कैसा है, इस शेयर में फेस एंट्री कब लेना चाहिए, इसका टारगेट क्या हो सकता है, पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, कल के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 729.50 पे, लो गया था 691.80 एंड कल के डेट पे ए शेयर आपका रिटर्न दिया था 2.58% का एंड कल के डेट पे ए शेयर आपका क्लोज किया था, मतलब क्लोज हुआ था 723.10 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹9,443.59 करोड़ एंड एंटरप्राइज वैल्यू है अभी ₹9,513.71 करोड़, पीई रेशियो है 50.68। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्ट है ₹78.87 करोड़ का, तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.13। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹14.30, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.17% एंड आरओसीई है 28.89%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये जो कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 61.69%, पब्लिक का होल्डिंग है 33.46%, एफआईआई का होल्डिंग है 7.49% एंड डीआईआई का होल्डिंग है 0.06%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 61.69% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक आपका अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, हर एक साल इस कंपनी ने आपका अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है एंड नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया है। ओके, एक साल में इस कंपनी ने आपका रिटर्न दिया है 213.30% का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका कुछ दिनों से गिर रहा था, ठीक है, लेकिन लास्ट दो दिनों से फिर से यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि टेक्निकली एक आपका अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज 50 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी यहाँ पे देखिए आपका अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये आपका था अप्रैल 2022 का पहला वीक, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है। लेकिन कल मतलब आपका लास्ट वीक में यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिला था, ठीक है, लेकिन ये शेयर जितना भी गिरा सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ के नीचे जा नहीं सका और फिर से देखिए इस वीक में यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। पूरा चार्ट अगर यहाँ से देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली एक आपका अपट्रेंड दिखेगा एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी ये शेयर आपका 50 डेज और 100 डेज का जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी यहाँ पे देखिए आपका अबव 60 है और MACD एक आपका न्यूट्रल जोन पे है, मतलब डेली चार्ट वीकली चार्ट में भी ये शेयर हम लोगों को आपका पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। तो चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका था 2020 जून का महीना, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए ये शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है और अभी जो आपका महीना चल रहा है 2022 का महीना, इस महीने में भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि टेक्निकली एक आपका अच्छा बात है।
अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब मंथली चार्ट में भी यहाँ पे हम लोगों को ज्यादातर इंडिकेटर बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस है लगभग 723, अगर इसी प्राइस पे लगभग इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 30 से 40 दिन का भी है तो मुझे जो लगता है कि 30 से 40 दिन के अंदर ये शेयर आपका 840 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।